आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद अरसलान एसएससीडी डिग्री कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो सब्जेक्ट हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड ईयर कॉमर्स के हवाले से हम स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले आप ये सब्जेक्ट कहीं भी डिस्कस करते हुए नहीं आए थ्रू आउट अपने एकेडमिक कैरियर में, तो ये स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है आप फर्स्ट टाइम अपने एकेडमिक कैरियर के अंदर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस स्टेज के ऊपर आपसे जो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात की जाएगी वो बहुत थॉरली होगी और बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर बात की जाएगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें बेसिकली हमें हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस होती हुई नज़र आती हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस टर्म के बेसिकली क्या मीनिंग है। तो अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो इसके मायने होते हैं शुमारियात के। शुमारियात का मतलब होता है शुमार करना, यानी के टू काउंट। तो स्टूडेंट्स, आप इसके जो मीनिंग है, मीनिंग से ही इसकी इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको गिनने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो किसी भी चीज़ को गिनने की या शुमार करने की जो ज़रूरत पेश आती है वो मुस्तकबिल में होने वाले कारोबार से या किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें काम आता है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं एक लेमैन अप्रोच से कि टर्म स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो इन माय व्यूज़, अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज़ द टूल ऑफ रिसर्च, यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक टूल है, एक आला है, एक औजार है, किस चीज़ का, रिसर्च को कंडक्ट करने का। फिर दूसरा सवाल स्टूडेंट्स ये जहन में आता है कि व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या होती है। तो स्टूडेंट, हम आपको बताते चलें कि रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च इज टू फाइंड द फैक्ट्स। यानी रिसर्च क्या होती है, रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो हकायक हैं उनको तलाश किया जाए। तो बेसिकली अगर इन दोनों डेफिनेशंस को हम आपस में मिला दें तो हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है, स्टैटिस्टिक्स इज़ द टूल टू फाइंड द फैक्ट्स। यानी स्टैटिस्टिक्स एक टूल है किस चीज़ का, हकायक को तलाश करने का। यानी कि स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम कायनात में जितने भी राज हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, उनको तस्खीर करने की, उनको मालूम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बींग ए स्टूडेंट, ये काम हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं और हमेशा तहकीकात का सिलसिला जारी और सारी रहता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। आइए अब इसकी सब्जेक्टिव डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ डेफिनेशन के हवाले से हम आपसे जब बात करेंगे तो ये बताती है कि स्टैटिस्टिक्स इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा। तो अब बात ये यहाँ आती है स्टूडेंट्स, तो हम शुमार क्या चीज़ कर सकते हैं, हम सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को, न्यूमेरिकल डेटा को ही शुमार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर बात की समराइजिंग, फिर हम उस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है, चूँकि डेटा इज़ द रॉ इन्फॉर्मेशन, रॉ फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, तो हर चीज़ आपके लिए यूज़फुल नहीं होती, हैंडी नहीं होती, तो इसीलिए आप इस डेटा को फिल्टर करते हैं किस सूरत में, समराइज करके और उसको प्रेजेंट करते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं, यानी कि तजिए करते हैं, उसको देखते हैं और उनके रिजल्ट्स यानी कि उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके जिस भी फील्ड में आप मौजूद हैं उसके मुतालिक डिसीजन मेकिंग की जा सके। तो स्टूडेंट, इसको अगर हम समराइज करें तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमें क्या बताता है, स्टैटिस्टिक्स की जो टर्म है वो हमें बताती है कि इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, किस चीज़ का, ऑफ डेटा कलेक्शन। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उससे समरी तैयार करते हैं और उस समरी की एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि मुस्तकबिल के फैसले किए जा सकें। तो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स की फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत है
और चूंकि हम बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट हैं तो यहां ये बात याद रखिएगा कि बिजनेस इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग, आपको फोरकास्ट करने की जरूरत पेश आती है और फोरकास्टिंग के लिए आपको सफिशियंट डेटा रिक्वायर होता है फ्रॉम योर पास्ट, जो आपके पिछला पुराना माजी गुजर चुका है उससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उस बुनियाद के ऊपर आप उस डेटा को समराइज करके, इंटरप्रेट करके, एनालिसिस करके उसकी बुनियाद पे अपने मुस्तकबिल के फैसले लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि स्टैटिस्टिक्स को भी दो सब्जेक्ट्स के तौर पे हम देख सकते हैं, दो अकसाम हैं इसकी जिसमें तकसीम किया जा सकता है, जिसमें एक आपकी बनती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी आपकी बनती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप जो काम करते हैं उसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को फिर प्रेजेंट करते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं और इन तमाम एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर स्टूडेंट्स फिर आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का रोल जो है वो यहाँ इन्वॉल्व करते हैं और किसी भी कॉन्क्लूजन पे पहुँचते हैं। तो यही बेसिकली आपका फेज होता है जहाँ आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे और फिर हम वहाँ टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।